अंदाज तुम रो, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तहरीक इंसाफ अपना अंदाज सियासत छोड़ने को तैयार नहीं है। आज आसिफ जरदारी की हलफबरदारी है और आज तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। मरियम नवाज के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है, संगीन इल्जाम लगाया गया है और मरियम नवाज ने दिल जीत लिए। इल्जाम और दिल जीतने की बात पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले जो सदर आसिफ अली जरदारी आज 14वें सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे, कल वो मुंतखब हो गए थे 411 रिकॉर्ड वोट लेकर और उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजी साहब ने 181 वोट लिए और उन्होंने इंतखाबात को तस्लीम भी किया और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लगा इसमें, उस हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन बहरहाल अब सदर आरिफ अलवी साहब जो अब साबिक सदर हो जाएंगे, बल्कि हो चुके सदर मुमलिकत के इंतखाब के बाद, और आरिफ अलवी साहब की आखिरी स्टेटमेंट भी सामने आ गई हुई है और एक और बयान जो इंतहाई अहम है आसिफ जरदारी के मुतालिक वो भी सामने आया है। उस पर बात करने से पहले आरिफ अलवी साहब जिनका किरदार जो है वो सदर के तौर पर मुतनाज़ा रहा, आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के जमहूरी अंदाज में जो या सिविलियन सदर के तौर पर वो मुंतखब ज़रूर हुए, लेकिन उनका किरदार मिलिट्री डिक्टेटर जो सदर थे उनसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, यानी उन जैसा ही था। और या वो सदूर जिन्होंने साजिशें की जमहूरियत के खिलाफ, जो सांप बनकर बैठे रहे वाने सदर में, चाहे वो फारूक लगारी थे चाहे वो गुलाम इसहाक़ खान थे, उन जैसे ही थे, उनसे कोई मतलब इधर उधर उन्होंने फ़र्क नहीं किया। तो बहरहाल अब क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब पर कई इल्ज़ाम हैं, बाकी इल्ज़ाम दुनिया लगाती रहती है और कुछ सच्चे इल्ज़ाम कुछ झूठे इल्ज़ाम, लेकिन उसमें उनकी पकड़ हो ना हो, एक जो चीज़ उनके ऊपर साबित शुदा है, सुप्रीम कोर्ट जिसमें फैसला दे चुकी हुई है, वो है 3 अप्रैल का असेंबली तोड़ने का इकदाम, जिसको आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान जो इमरान खान के प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा थे, जो प्रोजेक्ट इमरान खान को की आबियारी कर रहे थे, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जो चीफ जस्टिस काम कर अपना सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, उनका वो फैसला था 3 अप्रैल 2022 का। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ऐवान सदर से तो रुख्सत हो गए, तो उसके बाद वो कराची में इस्लामाबाद में अपने घर होंगे, मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ में दोबारा एक्टिव होंगे, क्योंकि 2 साल की पाबंदी तो है सदर मुमलिकत पर के 2 साल तक वो अपना मुतहरिक नहीं हो सकते सियासत पर, लेकिन बहरहाल अंदरून खाना हो जाएंगे तो कौन पूछेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सियासत में मुतहरिक होंगे नहीं होंगे, ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि वो होंगे किधर, अडयाला होंगे, कोटलखपत होंगे, लांढ़ी जेल होंगे, सखर जेल होंगे, मच जेल होंगे, कहाँ होंगे, क्योंकि आर्टिकल 6 का खदशा है उनके ऊपर कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने भड़कबाज अपने कायद जो थे ना इमरान खान साहब, ओए आसिफ जरदारी, ओए मौलाना फजल रहमान, ओए नवाज शरीफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी शिस्त पर हो और तुम याद रखो आसिफ जरदारी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, तुम जेल जाओगे। और आसिफ जरदारी 3 साल पहले किधर थे, आज किधर चले गए, इमरान खान 3 साल पहले किधर थे, आज किधर है, दोनों इमरान खान के दोनों कैदी, आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलकत बन गए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सरपरस्ती कर रहे हैं, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन गई हैं, खुर्शीद शाह इंतहाई अहम पोजिशन पर आ गए हुए, जितने हमजा शहबाज, जितने राणा सना, जितने लोगों को इमरान खान ने गिरफ्तार किया था, वो सारे के सारे लोग अब पार्लियामेंट में हैं और किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पोजिशन पर है, मगर रस्सी जल गई बल नहीं गया, अंदाज तब्दील नहीं किया इमरान खान ने, अपने वो जो मेल मुलाकातें करने जाते हैं उनके कान में कोई फूंक मार देते हैं, बाहर आकर वो अजीब गरीब बातें करते हैं, वो जो अजीब गरीब बातें कर रहे हैं वो जो मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक, उस पर मैं आता हूँ। 3 अप्रैल को आरिफ अलवी साहब ने जो किया था असेंबली तोड़ दी थी, और असेंबली तोड़ने का जो उनका इकदाम था वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था, वजह यह है कि इमरान खान जो वजीर आजम थे उस वक्त उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी, जो वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुका उसने एक एडवाइस कर दी कि जी असेंबली तोड़ दें, और आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तोड़ दी, फिर उसका खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था
जो रूलिंग दी थी, जिस रूलिंग की बुनियाद पर असेंबली तोड़ी गई थी कासिम सूरी की, उस रूलिंग को आइन के खिलाफ करार दिया था और असेंबली तोड़ने को आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया। बाद में अभी रिसेंटली इंतखाबात का जो मामला था अपने इंतखाबात की तारीख का, उसमें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके जो ब्रदर जज साहबान थे, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई वो उस मामले का क्या बना, वो तो आइन टूटा था। तो जब तक आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर में थे तब तक तो जाहिर उनको इस्तिस्ना था, मगर अब क्या होगा, अब वो जब ऐवान सदर जाहिर छोड़ चुके, जब आज जब हलफ हो जाएगा आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर हलफ ले लेंगे, तो उसके बाद आरिफ अलवी हो जाएंगे साबिक, तो उसके बाद वो इस्तिस्ना भी नहीं रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत इनिशिएट करेगी आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। वजीर दाखिला कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी बनने जा रहे हैं, कल जब आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो गए और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करने गए जरदारी हाउस, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब भी थे, मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन भी थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी थे, वो बहुत इन नए मामलों में। तो मोहसिन नकवी जब वजीर दाखिला बनेंगे तो क्या वो ये कार्रवाई इनिशिएट करेंगे, सवाल ये है। अगर इनिशिएट होती है कार्रवाई तो फिर तो एक साबित शुदा अमल है ना कि उन्होंने आइन तोड़ा है, उन्होंने एक साजिश के तहत असेंबली तोड़ी है। तो उसके बाद फिर वो किधर होंगे क्या होंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब जो नए सदर हैं आसिफ जरदारी साहब, ज़ाहिर उनके ऊपर काफ़ी भारी जिम्मेदारियां भी हैं, तवक्कुआत भी उनसे वाबस्ता की जा रही हैं कि जब वो पहले सदर थे 2008 से 13 तक, तो उन्होंने 18वीं तरमीम की, NSC अवार्ड किया, सूबों को खुद मुख्तारी दी, खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया, जिसकी वजह से अवामी नेशनल पार्टी ने उनको वोट किया बतौर सदर उम्मीदवार के। तो वो अब अपने जो अपना किरदार अदा करेंगे वो कितना मुअसर होगा, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई थी जब आसिफ जरदारी साहब सदर मुंतखब हो गए थे, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है असद यार वली साहब ने, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ ये है कि क्योंकि कुल्हाड़े लेकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जर्नल्स पीछे पड़े हुए थे 18वीं तरमीम के, राहिल शरीफ साहब ने तो ब्रीफिंग्स दे डाली थी ना कि 18वीं तरमीम सूबह खुद मुख्तारी NFC इसके साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, हालांकि इसके बगैर नहीं चल सकता था और इसके बगैर पहले पाकिस्तान टूट चुका हुआ था। तो एक खतरा है 18वीं तरमीम को, NFC अवार्ड को, सूबह खुद मुख्तारी को। तो असद यार वली साहब ने जो आसिफ जरदारी साहब को मुबारकबाद दी है दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर, उन्होंने कहा कि जी खुशाइंद है उनका दूसरी बार सदर मुंतखब होना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि पहले दौरे सदारत में आसिफ जरदारी ने अपने मनसब से भरपूर इंसाफ किया था, आसिफ अली जरदारी की कामयाबी से सदर की आइनी ओहदे के वकार में इजाफा हुआ होगा, ज़ाहिर अलवी साहब ने तो टके टोकरी कर दिया था, टाइगर बन गए थे इमरान खान के। 18वीं आइनी तरमीम को अमली शक्ल देने में आसिफ अली जरदारी का किरदार बहुत अहम रहा है, सूबह खुद मुख्तारी के लिए आसिफ जरदारी की खिदमात नाकाबले फरामोश हैं, तवक्को है कि दूसरी दफ़ा भी बतौर सदर छोटी कौमियतों के हकूक पर समझौता नहीं करेंगे, उम्मीद है कि नौ मुंतखब सदर 18वीं आइनी तरमीम को दरपेश खतरात का मुकाबला करेंगे, आइनी फराइज को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अब ये चैलेंज है आसिफ जरदारी के लिए, क्योंकि अब भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि इतने ज़्यादा सूबे खुद मुख्तार नहीं होने चाहिए। अब वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट वाले देखे ना कैसे 18वीं तरमीम के खिलाफ एक और NFC अवार्ड के खिलाफ एक नई साजिश लेकर आ गए कि जी मरकज ज़िलों को बराह रास्त फंड्स दे। भाई ज़िलों को फंड देना, मकामी हुकूमतों को फंड्स देना ये बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, उसके बगैर निचली सतह तक तरक्की मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अब सूबों को पाबंद करेंगे कि सूबे फंड्स दें। ये नहीं हो सकता कि मरकज ऊपर से कंट्रोल करे फंड्स और ज़िलों को अपनी मर्जी से दे, इस तरह नहीं चलेगा। तो बहरहाल तो एक आसिफ जरदारी साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह लेकर चलते हैं इन मामलों को। अब जो दूसरा मामला है मरियम नवाज के ऊपर इल्ज़ामात का, बड़ा सॉफ्ट टारगेट है मरियम नवाज। मरियम नवाज साहबा ने क्योंकि खदशात तो अपनी जगह मौजूद थे, उनको तजुर्बा नहीं था बराह रास्त ड्राइविंग सीट पर बैठ कर हुक्मरानी करने का, मुल्क चलाने का, सूबा चलाने का, इवन कोई वजारत चलाने का, तो ये खदशा था कि शायद मरियम नवाज साहिबा का फैसला मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल ना हो, और मुस्लिम लीग नून ने भी जाहिर है उनका फ्यूचर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस के ऊपर है पंजाब में। तो वो जैसे ही वजीर आला बनी है वो एक्टिव है, वो रोज़ाना
कई कई मीटिंग्स भी करती हैं, कई कई दौरे भी करती हैं, सरप्राइज विजिट भी करती हैं, तो टेंशन लग गई है इमरान खान साहब को और उनकी जमात को। तो अब उनका टारगेट अब नवाज शरीफ नहीं है, अब उनका टारगेट शहबाज शरीफ नहीं है, आसिफ जरदारी नहीं है, क्योंकि अब उनको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर मरियम नवाज है, तो उन्होंने टारगेट मरियम नवाज को करना शुरू कर दिया। चंद दिन पहले शानदाना गुलजार साहबा ने शुदनी छोड़ी थी कि जी मरियम नवाज की एक ऑडियो है जिसमें वो कह रही है कि जो जिले शाह का वर्कर जो बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया था उसको कुचलने की ऑर्डर कर रही है मरियम नवाज साहबा, कह रही है कि जी उसकी इस पर इतनी बार गाड़ी चलाओ कि वो लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। अब FIA में अपना दरखास्त चली गई है, FIA ने 14 मार्च को उनको बुला लिया है मरियम अपना शानदाना गुलजार साहबा को। वो अब तहरीक इस्तेहकाक यानी इस्तेहकाक को पार्लियामेंटेरियन का इस्तेहकाक यहाँ नहीं होता, आपने इल्ज़ाम लगाया है आप जाकर साबित करें पहले इल्ज़ाम को या फिर सजा भुगतें। तो मरियम नवाज टारगेट है। और अब वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, अगर उनके पास सबूत है तो इदारों को दें। उन्होंने दूर की वो मतलब अजीब गरीब इल्ज़ाम है, वो कह रहे हैं कि उनको उनकी सुपारी दी गई है, किराए के कातिल उनके लिए हायर किए गए हैं जिंदाल के जरिए, गालिबन वो सज्जन जिंदाल का नाम ले रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ जब वजीर आजम थे तो उनकी मेल मुलाकातें रही हैं, और उसको भी बड़ा इशू बनाया गया था PTI की तरफ से कि वो जो इंडियंस आते हैं, और खुद इमरान खान साहब मातम कर रहे होते थे, रो रहे होते थे कि मुझे मोदी फोन नहीं कर रहा, मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, मोदी मेरे साथ बात नहीं कर रहा, इंडियन वजीर आजम। तो जिंदाल के लिए कह रहा है कि जी जिंदाल को पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने मुझे मारने की सुपारी दी है जिंदाल के जरिए, कातिल जो है वो जो किराए के कातिल हैं वो साउथ अफ्रीका से और बजरिया दुबई वो आ रहे हैं, उनको $1,00,000 जो है उसको अदा कर दिए गए हैं मुझे मारने के लिए, और वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं किसी भी वक्त। और उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक सियासी शख्सियत का नाम आ रहा है, और वो मरियम नवाज है, फिर आगे चलकर कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं जो जिसको क्या कहा जाता है एडमिसिबल एविडेंस कहता है मेरे पास है, और वो मैं किसी भी इदारे को पेश कर सकता हूँ। वो गालिबन जिक्र कर रहे हैं या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि वो ऑडियोज हैं जिसमें बार बार मरियम नवाज का नाम आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना उसको जो है हमारे FIA उसको या तहकीकाती इदारों को सबूत पेश करने को तैयार हूँ, तो सबूत उनको पेश करना पड़ेंगे वरना शेर अफजल मरवत साहब को भी सिस्टम घर तक छोड़ना है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाएं, किसी की जान खतरे में डालें। वो कह रहे हैं कि जी मुझे मेरे ख़ानदान की लड़ाइयाँ चलती रही, मेरे नाना मेरे दादा आपस में भाई थे, उन दोनों में से कोई भी अपनी तभी मौत नहीं मरा यानी कत्ल हो गए, तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी कत्ल, तो वो आपके कबायली मामला थे, वहाँ आपकी लड़ाइयाँ कोई और होंगी। यहाँ आप अगर मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको साबित करना होगा, टारगेट मरियम नवाज इसलिए की जा रही है कि मरियम नवाज से अब खतरा है इनको। और दूसरी चीज़ ये है कि अडियाला पंजाब में है, तो अडियाला पर कंट्रोल मरियम नवाज का है, मरियम नवाज अडियाला के कैदी को शायद वो सहूलतें अब ना दे। खबर ये भी आ रही है कि मुलाकातें बंद होने जा रही हैं। कल इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज जो थे दांतों के डेंटिस्ट, वैसे आरिफ अलवी साहब को बुला लेते वो अच्छे दांत देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने मुआयना किया इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर अदालत की इजाज़त से, उन्होंने दांतों शांतों का चेकअप किया, उनकी बहन भी थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दांत शांत फिट है, कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, कोई कैविटी नहीं है, कोई मसला नहीं है, एवं ही रोला प्यासी। तो बहरहाल माजी में वो सियासतदानों को कहते होते थे कि जी वो अपना जेल जाते बीमार हो जाते तो अब गर्मी आएंगी तो पता चल जाएगा कितने भाव बिकती है, ऊपर से जब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के तौर पर रोज़ाना पूछेंगी ना जिस तरह इमरान खान साहब पूछा करते थे कि नवाज शरीफ को सहूलत तो नहीं, मरियम नवाज को सहूलत तो नहीं है, मैं पाकिस्तान जाकर इनके एयर कंडीशन निकलवाऊंगा, TV निकलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा और अस्पताल में इलाज करने नहीं दूंगा, तो जब वो अगर इस तरह आ गई जिस तरह इमरान खान करते थे तो फिर तो टेंशन है ना। इसी वजह से टारगेट मरियम नवाज है, सॉफ्ट टारगेट भी है, खातून भी है, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज शायद उस तरह इनकी हद तक शायद ना जाए, लेकिन बहरहाल अब ये जो मामला है इल्ज़ामात की उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इल्ज़ामात गलत हैं तो इल्ज़ाम लगाने वाले को जेल में होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था कि मरियम नवाज ने दिल जीत लिए मुख्तसरन, वो ये है कि पंजाबी कल्चरल डे था, तकरीब थी, वहाँ मरियम नवाज बतौर वजीर आला गई और उन्होंने बाकी बातें तो की पंजाबी सकाफत रहतल के हवाले से, लेकिन एक बात जो की वो बड़ी
मेरे लिए उसकी बहुत अहमियत है, वो ये है कि उन्होंने गिला किया कि जी पंजाबी जो है वो अपने बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाते, पंजाबी नहीं पढ़ाते। ये पंजाबी लीडर जो अपने आप को अगर पंजाबी समझे भी और पंजाबी कल्चर, पंजाबी सकाफत, पंजाबी जबान उसकी तरवीज के लिए अगर वो बात करें, तो फिर ज़ाहिर है उससे बाकी जो सकाफतें हमारी, बाकी जो जबान हैं, उनको ऑटोमेटिकली उनकी उनकी भी हौसला अफजाई होती है। तो कोई भी इस तरह लीडर, नवाज शरीफ साहब ने भी कभी इस तरह बात खुलकर नहीं की, मरियम नवाज ने बात की है, अच्छी बात है, दिल जीत लिए मरियम नवाज ने अपनी पंजाबी को ओन करके, अपने पंजाबी होने पर फख्र करके। वरना हमारे बच्चों को कहा जाता कि नहीं जी ये पंजाबी नहीं बोलनी, ये पेंडुआ की जबान होती है। सल्यूट है मरियम नवाज, बहुत अच्छा किया। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।